हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में दो कमांडें करेंगे। फर्स्ट कमांड है हमारी टेक्स्ट बॉक्स, सेकंड कमांड है हेडर एंड फुटर। तो टेक्स्ट बॉक्स, ये जो हमारी स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप में जाएंगे, फर्स्ट कमांड टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और माउस से ये ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद इसको छोड़ दिया। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने चैनल का नाम, यहाँ पे लिखा बायस ज्ञान, नेम लिखा। नेम लिखने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाएंगे। जैसे 32 साइज़ किया। साइज़ करने के बाद इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के बाद यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, इस कलर में रखा और इसको सेंटर में कर दिया, ये सेंटर में हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट किया और टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया। तो इस प्रकार हम ये टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद हम ये सेकेंड कमांड को करेंगे, हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर होता क्या है, हेडर एंड फुटर में हम उस टेक्स्ट को लिखा जाता है जिसको हमें स्लाइड में शो करना होता है। जो स्लाइड के ऊपरी हिस्से में लिखा जाता है उसको हेडर कहते हैं, और जो स्लाइड के निचले हिस्से में लिखा जाता है उसको फुटर कहते हैं। तो अब हम यहाँ पे हेडर एंड फुटर को करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किया हेडर पे। हेडर पे क्लिक करने के बाद हमारा ये हेडर एंड फुटर का डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दो टैब हैं, एक है स्लाइड का है, एक नोट्स एंड हैंडआउट्स। तो अब स्लाइड टैब पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब इसके नीचे बता रहा है कि इंक्लूड ऑन स्लाइड, स्लाइड में क्या क्या होना चाहिए। तो ये प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है, ये प्रीव्यू शो कर रहा है कि हमारे पास क्या क्या आना चाहिए स्लाइड में। तो पहले पे हमने यहाँ पे चेक किया। ये चेक करने के बाद अब जो है ये डेट एंड टाइम का है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है अपडेट ऑटोमेटिकली, कि जो भी है ये अपने आप ही अपडेट होती रही। तो ये जो ये डेट कहाँ पे आएगी, ये प्रीव्यू शो कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में ये डेट आएगी। इसके बाद सेकंड यहाँ पे फिक्स्ड, इसका मतलब ये है अगर हमने यहाँ पे इसको चेक किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये डेट चेंज नहीं होगी। अब ये जो डेट है, ये डेट लिखी हुई है, तो डेट के भी अलग अलग फॉर्मेट हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट इसके आएंगे। सपोज़ करो ये फर्स्ट डेट यही चाहिए। ये डेट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये जो है डेट एक ही स्लाइड में आएगी, बाकी जो हमारी ये सेकंड स्लाइड है, यहाँ पे थर्ड स्लाइड है, यहाँ पे फोर्थ स्लाइड है, इन स्लाइडों में ये डेट नहीं आएगी क्योंकि हमने अप्लाई एक स्लाइड के ऊपर ही किया हुआ है। ये देखो, जैसे स्लाइड शो किया तो स्लाइड शो में ये डेट यहाँ पे आएगी, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। यहाँ पे सेकंड स्लाइड में ये डेट नहीं है, ना थर्ड स्लाइड में है, ना यहाँ पे फोर्थ स्लाइड में है। तो इस प्रकार ये डेट एक स्लाइड में है। अगर हम चाहते हैं कि ये डेट सभी स्लाइडों में आए, तो हम क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद डेट एंड टाइम अपडेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जो डेट है सभी स्लाइडों में आए, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने के बाद ये क्या होगी,
ये सभी स्लाइडों में डेटा आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे जैसे स्लाइड शो किया, ये फर्स्ट स्लाइड में भी है, ये सेकंड में भी है, ये थर्ड में भी है, ये फोर्थ में भी है। तो सभी स्लाइडों में ये डेट आ जाएगी। अगर हमने अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया हुआ है तो ये सारी स्लाइडों में डेट आ जाएगी। इसके बाद हम आगे करेंगे। आगे जैसे ये डेट जो है ये लैंग्वेज, इसके नीचे है लैंग्वेज, लैंग्वेज में यहाँ पे इंग्लिश हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे दो हैं, जैसे इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे आएगा। तो जो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे इंग्लिश इंडिया हमने ये सिलेक्ट किया तो ये उस ऑप्शन का यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, जैसे इंग्लिश इंडिया, तो इंग्लिश इंडिया यहाँ पे ये देखो इंग्लिश इंडिया उस हिसाब से आ रहा है ये। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करेंगे, जैसे हमें चाहिए हिंदी, तो ये देखो हिंदी में आएगा ये जितना भी है इस हिंदी में चाहिए अगर डेट एंड टाइम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन पे जाके ये लैंग्वेज हिंदी कर दी। हिंदी करने के बाद हम क्या करेंगे, अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल करने पे क्या होगा, ये जितनी भी ये जो हिंदी में लिखा हुआ है जितनी भी हमारी स्लाइडें हैं ये सभी स्लाइडों में हिंदी डेट जो है ये सेट हो जाएगी। ये देखो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया तो ये देखो ये जैसे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, अब इसको स्लाइड शो करते हैं, ये जो डेट आ रही है हिंदी में आ रही है, तो ये फर्स्ट स्लाइड है हमारी, सेकंड में भी ये है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो ये सभी स्लाइडों में ये हिंदी डेट यहाँ पे सेट हो जाएगी। अगर हिंदी ये जो डेट आई हुई है इसका हम फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये डेट यहाँ पे आए, ये फॉर्मेट आए, तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मेट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई टू ऑल या एक पे अप्लाई करना है तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, या सभी में स्लाइडों में चाहिए हमें तो अप्लाई टू ऑल यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखो ये रविवार 29 दिसंबर 2019, ये जितना भी है ये हिंदी में आ जाएगा। ये फर्स्ट स्लाइड में भी है, इसका स्लाइड शो देखेंगे, ये देखो हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड है, इसके बाद ये थर्ड है, इसके बाद ये फोर्थ स्लाइड है। तो ये सभी स्लाइडों में हिंदी ये फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगर इसका फॉर्मेट चेंज करना है तो हम ये फॉर्मेट और भी चेंज कर सकते हैं, ये सभी दिया हुआ है, जो भी फॉर्मेट हमें चाहिए। अगर हिंदी में टाइम, डेट एंड टाइम चाहिए तो ये डेट भी आ रही है, टाइम भी आ रहा है। तो जो भी हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे लैंग्वेज में हमने यहाँ पे फिर इंग्लिश इंडिया किया, इंडिया करने के बाद अगर हमें डेट भी चाहिए और साथ में टाइम भी चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये डेट भी है और साथ में टाइम भी है, यहाँ पे क्लिक किया तो ये डेट भी आएगी साथ में टाइम भी आएगा। अप्लाई टू ऑल यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया, अब इसका स्लाइड शो देखेंगे, ये देखो ये डेट भी आ रही है और इसके बाद ये टाइम भी आ रहा है। ये अगली स्लाइड है, इसमें भी डेट आ रही है, टाइम आ रहा है। इसके बाद अगली स्लाइड है, इसमें भी डेट एंड टाइम है। इसके बाद अगली स्लाइड है, इसमें भी डेट एंड टाइम है। तो जो भी हम यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्मेट में ये डेट एंड टाइम आ जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला है स्लाइड नंबर। स्लाइड नंबर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो स्लाइड नंबर कहाँ पे आएगा, राइट हैंड साइड में, ये ब्लैक में हो गया, ब्लैक में शो कर रहा है कि ये जो है ये राइट हैंड साइड में आएगा स्लाइड नंबर। ये देखो अप्लाई टू ऑल किया तो ये स्लाइड नंबर, जैसे फर्स्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये स्लाइड शो किया, ये फर्स्ट स्लाइड यहाँ पे, ये फर्स्ट स्लाइड आ गई, अब ये सेकंड स्लाइड है, अब ये थर्ड स्लाइड है, इसके बाद ये फोर्थ स्लाइड है। तो ये नंबरिंग यहाँ पे सेट हो गई कि ये स्लाइड कौन सी है। तो इस प्रकार हम स्लाइड नंबर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला
हमारे पास है फुटर। अगर हम फुटर, ये जो ब्लैंक यहाँ पे रह गया है, बाकी यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये डार्क हो गया है, ये बता रहा है कि क्या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में नीचे स्लाइड के नीचे, ये स्लाइड नंबर है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है स्लाइड के, ये बता रहा है कि डेट एंड टाइम लिखी हुई है। अब ये जो बीच वाला है, ये बता रहा है कि यहाँ पे फुटर लिखना है। यहाँ पे फुटर पे क्लिक किया। फुटर पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फुटर लिखेंगे। जैसे मैंने फुटर पे लिखा बाय यशपाल सिंह, और इसको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया कि ये सभी स्लाइडों में आए। ये देखो, इसको स्लाइड शो, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, स्लाइड शो पे गए, ये देखो यहाँ पे फुटर में वाई यशपाल सिंह ये आ गया। सेकंड स्लाइड है, इसमें भी आएगा। ये थर्ड स्लाइड है, ये फोर्थ स्लाइड है, तो सभी स्लाइडों में ये फुटर आएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे फुटर भी अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं। इसके बाद, ये आने के बाद आगे है ये जो चेक, ये बता रहा है कि ये जो है हमारी स्लाइड में आ रहे हैं। अगर हम इसको अनचेक कर देंगे, अगर ये दिया हुआ है जैसे डेट है, ये डेट है, ये हमारा फुटर है, ये स्लाइड है, अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको अनचेक कर देना है। ये डेट एंड टाइम नहीं आएगी। अब स्लाइड नंबर यहाँ पे क्लिक किया, स्लाइड नंबर भी चला जाएगा। फुटर पे क्लिक किया, ये भी नहीं आएगा। इसको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया, अब देखो ये फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक किया, फर्स्ट स्लाइड से ये डेट एंड टाइम ये भी चला गया है, यहाँ से फुटर भी चला गया, और यहाँ से स्लाइड नंबर ये भी चला गया है। तो इस प्रकार हम ये डेट एंड टाइम, फुटर और स्लाइड नंबर इसको हटा सकते हैं। इसके बाद अगर हमें ये वापस लाने हैं, तो हम ये वापस भी ला सकते हैं, जैसे ये क्लिक करके और यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया, ये सभी आ जाएंगे। इसके बाद हेडर एंड फुटर में डोंट शो ऑन टाइटल स्लाइड, जो हमारी टाइटल स्लाइड है उसमें शो ना हो ये, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारी जैसे फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है, ये टाइटल स्लाइड है, और थर्ड ये भी टाइटल स्लाइड है, इसमें शो ना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्लिक किया, अप्लाई टू ऑल यहाँ पे क्लिक किया, तो ये हमारी फर्स्ट है टाइटल स्लाइड, यहाँ पे शो नहीं होगा ये। अब सेकंड है, इसमें शो होगा, ये ब्लैंक स्लाइड ली हुई है हमने, इसमें शो हो रहा है ये हमारा डेट एंड टाइम, और ये फुटर और ये स्लाइड नंबर शो हो रहा है। थर्ड में भी शो नहीं होगा ये, देखो यहाँ पे थर्ड स्लाइड पे क्लिक किया, यहाँ भी शो नहीं होगा टाइटल स्लाइड में। फोर्थ में शो होगा, ये फोर्थ में शो हो रहा है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ये अगर नहीं चाहिए, सभी में चाहिए, इसको यहाँ पे अनचेक किया, अप्लाई टू ऑल सभी में आ जाएगा। ये देखो फर्स्ट में भी आ गया, सेकंड स्लाइड में भी आ गया, थर्ड में भी, और ये फोर्थ में भी, तो ये सभी स्लाइडों में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगला है हमारा, ये इंसर्ट टैब में जाने के बाद हेडर एंड फुटर पे सेकंड टैब पे जाएंगे। ये देखो नोट्स एंड हैंडआउट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक किया। इसके करने के बाद हम यहाँ पे व्यू पे, व्यू टैब पे जाएंगे, नोट्स पेज यहाँ पे जाएंगे। नोट्स पेज जाने के बाद यहाँ पे देखो सबसे ऊपर जो है हेडर, हेडर यहाँ पे आ रहा है कि अगर हम हेडिंग लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हेडिंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, और ये हमारा नीचे का ये जो पार्ट है ये स्लाइड का, यहाँ पे फुटर लिखेंगे। तो ये लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, हेडर एंड फुटर पे जाएंगे। अब नोट्स एंड हैंडआउट्स में ये डेट एंड टाइम क्या बता रहा है, ये देखो, जैसे ही यहाँ पे मैं इसको चेक करूँगा तो ये ब्लैक में हो जाएगा, ये प्रीव्यू शो कर रहा है। ये देखो इसको चेक किया, ये ब्लैक में हो गया, तो ब्लैक में हो गया ये बता रहा है कि ये जो डेट एंड टाइम है यहाँ पे आएगी। इसके बाद पेज नंबर,
इसको अनचेक किया, ये देखो अनचेक हो गया, चेक है पेज नंबर आ रहा है ये नीचे, जैसे ये नीचे आया हुआ है, पीछे हमने लिया था हेडर, ये भी आया हुआ है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे हेडर को, ये देखो ब्लैक में है लेकिन हेडर को लिखा नहीं है, इसको जैसे यहाँ पे अनचेक करेंगे, ये देखो यहाँ से ब्लैक हट जाएगा, अगर यहाँ पे चेक किया ये ब्लैक में हो जाएगा ये, लेकिन हेडर यहाँ पे हमने लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने हेडर लिखना है बायस गैंटेक, ये लिखा, ये हमने लिख दिया हेडर। अब फूटर, यहाँ पे फूटर ये जो है यहाँ पे ब्लैक नहीं हुआ है, तो इसको ब्लैक करने के लिए हम क्या करेंगे कि फूटर भी आना चाहिए, तो ये फूटर पे क्लिक किया, ये भी ब्लैक में हो जाएगा। अब फूटर में जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वाई यशपाल सिंह, ये फूटर में हमने वाई यशपाल सिंह लिख दिया और इसको अप्लाई टू आल पे क्लिक किया, ये देखो ये जो है हमारा हेडर है, यहाँ पे डेट है और यहाँ पे फूटर है और यहाँ पे स्लाइड नंबर है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे हेडर और फूटर शो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने हेडर एंड फूटर के बारे में जाना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।